नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग भारत और मालदीव के बीच में जो संबंध है उसको जानेंगे, साथ ही भारत और मालदीव पर चीन का क्या प्रभाव है इसे भी विस्तार से समझेंगे। भारत के लिए मालदीव क्या महत्व रखता है और मालदीव को लेकर भारत की क्या चिंता है, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। आंसर्स को वर्ड लिमिट के हिसाब से ही लिखा गया है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आएगी। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है भारत मालदीव। देखें, मालदीव में 2018 में नई सरकार के गठन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत मालदीव के संबंध में सुधार हो सकता है, क्योंकि पूर्व में मतलब नई सरकार के गठन से पहले जो है दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ी थी, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य और मजबूती की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली यात्रा मालदीव की रही और मालदीव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशान इजुद्दीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री मतलब बनने के बाद उनकी पहली यात्रा मालदीव ही रही, इस बात से ये कयास लगाया जा सकता है कि भारत के लिए मालदीव कितना महत्व रखता है। मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत के दक्षिण में है और लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इसमें जो है मालदीव में 1200 से ज़्यादा द्वीप शामिल है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप शामिल हैं। और मालदीव जो है सार्क का एक संस्थापक सदस्य भी है। देखें, प्रारंभ में भारत मालदीव के बीच संबंध सामान्य थे। भारत ने समय समय पर मालदीव की सहायता की। जब भी मालदीव को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हुई, भारत ने बेझिझक उसकी सहायता की। दोनों देशों के बीच टकराव तब हुआ जब मोहम्मद नसीद मतलब उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या करा कि मालदीव में एक प्रोजेक्ट था जो कि भारतीय कंपनी उसको बना रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस प्रोजेक्ट को भारत के हाथ से लेते हुए चीन के हाथों में दे दिया। तो ये प्रक्रिया यहीं से जो है मालदीव और भारत के बीच में संबंध में जो है थोड़ी सी कटुता आई और दोनों देशों के बीच दूरियां अब्दुल्ला यमीन के शासनकाल में और भी बढ़ी। मतलब अभी वर्तमान में जो सरकार है, इससे पहले की जो सरकार थे, जो राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन, इस सरकार में दोनों देशों के बीच की दूरियां और बढ़ी। देखें, अब्दुल्ला यमीन ने जो है चीन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से समझौता कर लिया, जिससे मालदीव एवं चीन के आपसी संबंध में सुधार आए। मतलब जो अब्दुल्ला यमीन का सरकार था, उसने क्या किया कि चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता कर लिया और चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है कि किसी भी देश में निवेश कर देना और फिर उस देश पर धीरे 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 कब्जा की स्थिति बना लेना। देखिए, चीन की साम्राज्यवादी नीति एवं भारत को चारों तरफ से घेरने की मंशा रहती है, जिसमें कि मालदीव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आगे देखिए, अब्दुल्ला यमीन की सरकार चीन की समर्थन करती थी, इसलिए इस सरकार ने कई भारत विरोधी कार्य भी किए। भारत मालदीव से बढ़ती दूरी का सीधा सीधा फायदा चीन को हुआ। वर्तमान में मालदीव जो है पूरी तरह से चीन के कर्ज में डूब चुका है। याद रखिएगा, यहाँ तक कि मालदीव के कई द्वीपों पर चीन का पूरी तरह से अधिकार है, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। पाकिस्तान में उसकी पकड़ मजबूत है, एक तरफ चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अब नीचे साउथ साइड में मालदीव में भी उसकी नज़र है और चीन इस मामले में कई हद तक कामयाब भी हुआ। मालदीव के कई सारे द्वीपों पर चीन का अधिकार है। श्रीलंका में देखें, उसने एक पोर्ट बनाया है, उसमें भी उसे 99 साल के लीज पर ले लिया है। तो भारत
को अगर चीन में जो है मालदीव में अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ता है तो सीधे सीधे नुकसान इसका भारत को है। देखिए चीन का जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, उस परियोजना में भी मालदीव जो है भागीदार बन चुका है। OBOR प्रोजेक्ट पर हम लोगों ने विस्तार से पहले बात कर लिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देखें। 64वीं BPSC के लिए करंट टॉपिक्स में वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें, चीन की स्थिति मालदीव में मजबूती से पकड़ बनाई हुई है, जो कि भारत के लिए खतरा है। देखिए वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोली चीन और उसकी नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि चीन जो है धीरे धीरे जो है कब्जा करने लगता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम सोली, वो चीन की नीतियों से जो है वो उनके खिलाफ हैं। ठीक है, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप अपने लिमिट में रहें, लेकिन मालिकाना हक जो है चीन का जो जताना जो उसका जो प्रोसेस है, इससे जो है इब्राहिम सोली खफा हैं। मालदीव में नई सरकार के गठन के बावजूद दोनों देशों के संबंध में प्रगाढ़ता आना भी शेष है। भारत हेतु मालदीव का महत्व कई कारणों से है। देखिए भारत के लिए मालदीव बहुत सारे कारणों से महत्व है, जैसे दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व, व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, राजनीतिक महत्व। ये सारे जो हैं, अगर भारत मालदीव के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो कई सारे भारत को और मालदीव को एक दो दोनों देशों को एक दूसरे से जो है फ़ायदा होगा। दोनों देशों के बीच व्यापक सुधार तो हुए, लेकिन वर्तमान समय में भारत की कुछ प्रमुख चिंता भी है। ये क्या चिंता है, आइए देखते हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव, देखिए मालदीव में चीन का जो है प्रभाव बढ़ रहा है, और चीन के प्रभाव बढ़ने से सीधे सीधे खतरा किसको है, भारत को है। क्यों खतरा है, क्योंकि भारत मालदीव के नज़दीक स्थिति होने के कारण चीन जो है भारत पर नज़र रख सकता है। भारत भारत के द्वारा की गई जो कार्यवाही होगी, चाहे वो नौसेना की कार्रवाई हो या किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, तो चीन की उस पर नज़र रह सकती है, चीन उस पर नज़र रख सकता है। आगे देखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अवहेलना, मतलब इससे पूर्व जो सरकार थी वह एक तरह से अलोकतांत्रिक हो गई थी। मतलब आप समझिए कि जो पुरानी सरकार थी अब्दुल्ला यमीन की, उसमें जो है लोकतंत्र का कोई भी स्थान नहीं रह गया था। तो पिछली सरकार में मालदीव में अलोकतांत्रिक सरकार का बोलबाला था, और जो कि बोलबाला किसके प्रभाव से आया था, चीन के प्रभाव से आया था। तो भारत नहीं चाहता कि फिर से चीन में इस मालदीव में इस प्रकार की स्थिति बन जाए। अगला है, देखिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग, लीज अवधि, वीज़ा आदि देने से मना। अगर मालदीव में चीन का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि मालदीव पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है, तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध सुधार की जो प्रक्रिया है, जैसे ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है या लीज़ अवधि, वीज़ा, इन सभी में अगर मालदीव कटौती करता है तो भारत और मालदीव के बीच संबंध सुधार होने में और भी लेट लग सकता है। देखें अभी हाल फिलहाल में ही जो है मालदीव का चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब इत्यादि कई देशों के साथ संबंध में जो है संबंध सुधरा है, या संबंध को चीन के प्रभाव से सुधारा गया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन जो नई सरकार है वह पूरी तरह से चीन की जो नीति है उसको समझ चुकी है, इसलिए नई सरकार की कुछ प्राथमिकता भी है जिस पर वह कार्य करने को अग्रसर है। ये नई सरकार की क्या क्या प्राथमिकता है, देखें चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, क्योंकि वह जानती है कि चीन निवेश करके अधिकार को जमाता है। साथ ही चीन ने अभी तक जो भी मालदीव में निवेश किए उसकी समीक्षा करना, और उसके द्वारा जो कर्ज दिए गए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करना, मालदीव की संप्रभुता की सुरक्षा करना। मालदीव में जो है लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी अपनी स्थिति है, उसकी अपनी पहचान है, तो नई सरकार यह नहीं चाहती कि उसका जो है सारा कार्य या चीन उसको मॉनिटर करे। अगला है, भारत के साथ संबंध में सुधार करना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करना,
और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपने आप को मजबूत बनाना। तो ये सारी बातें जो है नई सरकार की जो है प्राथमिकता के अंतर्गत शामिल की गई है। तो ये था दोस्तों हमारा भारत मालदीव संबंध। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। वीडियो काफ़ी तेज़ी से बनाया गया है, आप इसे एक दो बार देखें और पॉइंट्स को लिख लें। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रिवीजन ज़रूर करें। धन्यवाद।